भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की बैठक शुरू हो गई है। एकात्म परिसर में ये बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष पूजा विधानी समेत समस्त प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्ष मौजूद रही। ये बैठक लोकसभा चुनाव के संबंध में रखी गई है। इस बैठक में शामिल होने के लिए नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक समेत संगठन महामंत्री पवन साय, मोर्चा प्रभारी राम प्रताप भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखी गई इस बैठक में लोकसभा चुनाव के संबंध में चर्चा होगी। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष पूजा विधानी ने बताया, हम सब गुजरात के अधिवेशन में गए थे, वहाँ लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए हम सबको जिम्मेदारियाँ दी गई है। आज बैठक में हम उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का स्वागत भी हम बहनों द्वारा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में हमको 11 सीट के लिए कैसा मतलब काम करना, वहाँ से जो कार्यक्रम मिला है उसी के संबंध में जो है बहनों को जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी और प्रभारी बहनों और प्रदेश कार्य समिति को इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। ये सारी बहनें आज जो हम कार्यक्रम देंगे, इस कार्यक्रम को यहाँ निर्धारित होने के बाद अपने अपने क्षेत्र में जाकर लोकसभा के तैयारी के संबंध में और मंडल और बूथ स्तर पे जो है कार्यक्रम करेंगे, ऐसा इस विश्वास के साथ आज कार्य समिति को भी बुलाया गया है अपनी बहनों को। तो इसके बाद जो है जिला कार्य समिति और मंडल कार्य समिति भी सारे जिलों में संपन्न होंगे। For more information, log on to www.clips.in.